हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर जगह से न्यूज़ आ रहा है प्रमोशन का और बहुत जगह प्रमोशन हो भी रहा है। सबसे पहला स्टेट जो है वो यूपी है एंड उसके बाद अब बिहार और बाकी जगहों पर ये बातें चल रही है कि एग्ज़ाम होगा या फिर प्रमोट किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जो काफ़ी यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले फ्रेंड्स बता दूँ कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स थे उनको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। उसी तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है यूपी में कि जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा एंड द सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में हो क्या रहा है कि जो लास्ट ईयर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने प्रमोट कर दिए थे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर प्रमोट कर दिया जाएगा तो उनका बेसिक और ज़्यादा वीक हो जाएगा और बच्चे जो है आगे ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए उनको क्रिटिसाइज़ भी बहुत ज़्यादा किया गया। तो इसीलिए ये बात चल रही है कि बिहार में स्पेशली एग्ज़ाम लिया जाएगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फाइनल ईयर का तो एग्ज़ाम होना ही है हर जगह पर, ये तो ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है, लेकिन फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी एग्ज़ाम लेने की बात चल रही है ऑनलाइन मोड पे या ऑफलाइन मोड पे। बिहार में ज़्यादा चांसेस ऑफलाइन मोड का है, बाकी यूपी में एक दो यूनिवर्सिटीज़ जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए भी सोच रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम कब होगा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि एग्ज़ाम होंगे तो होंगे कब। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया यही जा रहा है कि जो हमारा यूजीसी है, मतलब कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम है पहले वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, या प्रमोट करना है या जो भी करना है पहले उनका हो जाएगा, उसके बाद से बीएड के बारे में सोचा जाएगा और बीएड के बारे में किया जाएगा। तो ये सारा ओवरऑल देख करके ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है आपका अगस्त तक में हो पाएगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और ये भी बोला जा रहा है कि पहले जो एग्ज़ाम होगा वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होगा, उसके बाद फर्स्ट ईयर के बारे में एग्ज़ाम ही लिया जाए या फिर प्रमोट किया जाए इस पर फैसला दिया जाएगा। लेकिन अगस्त तक के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है अगस्त में हो सकता है, अगर होने वाला है तो अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए और पूरा रिवाइज करके आप रेडी रहिए। तो आज के लिए, आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स कि बीएड के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम होने के चांसेस अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि कोविड जो है वो कम हो रहा है, इसलिए तो तैयार हो जाइए अपने प्रिपरेशन के साथ। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ, इस पर अगर और कोई नोटिस आता है तो मैं आपके लिए डेफिनेटली लेकर आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।